सर हुआ क्या है, मतलब बाकी टीम्स बहुत कमाल हैं या फिर हम ही बहुत गए गुजरे थे यहाँ पे? यार इसमें दो तीन चीज़ें हो गई हैं बाजवा भाई। नंबर वन, एक अभी आपने बात की कि वी ऑलवेज ट्राई टेकिंग लीप ऑफ फेथ, तो मेरे ख्याल में नाउ यू शुड स्टॉप स्वेटिंग। कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आज से 10-5 साल पहले जो है ना वो फ्लेयर फ्लेबॉयंस और नेचुरल टैलेंट स्किल सेट पे आपके कुछ इंडिविजुअल्स कंपैटिबल होते थे वर्ल्ड फोरम में, लेकिन अब क्रिकेट इतनी आगे चली गई है और इतनी ज़्यादा ये इट इज़ टू मच साइंटिफिक नाउ और बहुत ज़्यादा जो है ये एक आप कह सकते हैं कि मॉडल कर दिया गया, टेम्पलेट्स डिफाइन हो गए हैं और मॉडर्न क्रिकेट आप उस वक्त तक नहीं कम्पीट कर सकेंगे जब तक आपकी कंप्लीट रीवैम्प नहीं होएगा इंफ्रास्ट्रक्चर का। अगर आपको एक गेम चेंजर या पांचवें नंबर पे ऑनरिक क्लासन की तरह का बैट्समैन या ग्लेन मैक्सवेल की तरह का चाहिए, मैक्सवेल 170 वनडे इंटरनेशनल खेले, आज तक एक टेस्ट मैच नहीं खेला बिकॉज इज़ अ वाइट बॉल स्पेशलिस्ट, तो अगर आपको उस तरह का चाहिए फिर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में उस तरह के कोचेस चाहिए होंगे जो कि आपके नए आने वाले प्लेयर्स प्रोडक्ट्स को आगे लेके आएंगे। वन दूसरा ये है कि हमारा कंप्लीट केओस है, एडमिनिस्ट्रेटिव केओस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। अगर आप देखें एक साल होने को जा रहा है और एडहॉक है, इनसे अगर आप वर्ल्ड कप जीतने की बात करते हैं लेकिन आपकी मैनेजमेंट से अब तक एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नहीं बना और इलेक्शंस नहीं हो पाए चेयरमैन के या पीसीबी के, तो हाउ कुड यू इमेजिन कि इस मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जहाँ पे क्रिकेट अब एक इंडस्ट्री है, एक प्रोडक्ट है, एक ब्रांड है जिसके साथ इंटेल्ड बहुत सारे और लवाजमात हैं और आप जो हैं वो एडहॉक तरीके से विम्जिकली चलाते हैं। तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि क्या ये प्लेयर पावर यकीनन थी और बाबर आजम का जो टीम का सिलेक्शन था वो शायद T20 और हम वन डे इंटरनेशनल्स को बाइफरकेट नहीं कर पाए और हमने T20 के प्लेयर्स के साथ ये अज्यूम कर लिया कि जितने अच्छे वो T20 में हैं वही वन डे क्रिकेट में होंगे। वेयर एज वन डे क्रिकेट इज़ अ शॉर्टर वर्जन ऑफ टेस्ट मैच क्रिकेट जहाँ पे आपको सेशंस भी खेलने पड़ते हैं, सिचुएशंस भी खेलने पड़ते हैं। तो यहाँ तक तो मैं बाबर आजम को कसूरवार कहूँगा कि वो अपनी कंफर्ट जोन में उन्होंने नए प्लेयर्स आने नहीं दिए, जैसे इब्रार अहमद शुड हैव बीन पार्ट ऑफ द 15, ही शुड हैव प्लेड इन दिस वर्ल्ड कप। इसी तरह फास्ट बॉलिंग में हसन अली की जगह, क्योंकि इंडिया के पिचेस में शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग करने वाले आपने देखा होगा मैट हेनरी, वो बाद में तो खैर न्यूजीलैंड के इंजर्ड हो गए, जो भी शॉर्ट ऑफ लेंथ पे कर रहा था वो कामयाब था। दिस मीन शाहनवाज धानी को डेबिन अ वंडरफुल एडिशन, आपने उनको भी नहीं रखा। उसके बाद सरफराज अहमद आड़ी तिरछी शॉट्स मारने वाला मिडल ऑर्डर में जो कि स्वीप्स और रिलीज शॉट्स मारता है, परसेंटेज शॉट्स मारता है, आपने उसको भी नहीं रखा। सो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट सिलेक्शंस थी और जिसकी वजह से आपने खमियाजा भुगता। अच्छा। अभी आपने एक और बात की है कि जी हमारे जो फास्ट बॉलर्स थे उनको क्या हो गया, आपके फास्ट बॉलर्स को ये हो गया। आप हमेशा याद रखिएगा कि सिर्फ बैट्समैन के दरमियान पार्टनरशिप्स नहीं होती, फास्ट बॉलर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जिस वक्त तक आपकी टीम में इत्तेहाद था, दे वर वेल बाउंड और एक थे और यूनिसन यूनिटी थी इस टीम में, तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द डिवाइसिव पॉलिसीज ऑफ द मैनेजमेंट वहाँ से प्रूव होता है। डॉक्टर साहब ये बात दो तीन चीज़ें टीम के अंदर लॉबीज हैं और ये वाला इल्ज़ाम कि बाबर ने अपने दोस्तों को फेवर किया है, क्या इसमें इज देयर एनी रियलिटी टू इट? सर बाबर ने दोस्तों को फेवर नहीं किया, लड़के ये सारे वो थे जो कि आपके पूल में पिछले 2 साल से थे, लेकिन बाबर ने ये नहीं देखा कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस यानी कि वन डे क्रिकेट इन इंडिया वन डे मैचेस के लिए कौन से प्लेयर्स बेहतर हैं और कौन से नहीं हैं, तो डेफिनेटली ही ऑल्सो रॉन्ग स्टेप। लेकिन जो बात इंपॉर्टेंट है, आपकी जो स्ट्रेंथ थी, बाबर आजम वॉज नेवर अ नेचुरल कैप्टन, बाबर आजम वॉज नेवर अ स्ट्रेटेजिकली या टेक्टिकली एक बहुत कोई डिफाइंड किस्म का कप्तान था। अगेन पॉलिटिकली बनाया गया था इनको कप्तान, जिस वक्त सरफराज अहमद को सैक किया उसके बाद अजहर अली को हटाया, वो पॉलिटिकल इंटरवेंशन थी। ये किसी को बहुत पसंद आ गया बिकॉज ही इज़ ए वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, बैट्समैन ऑफ ऑल जनरेशन जहाँ तक पाकिस्तान है, तो आपने इसको कप्तान बना दिया। इसने ना क्लब की कप्तानी की हुई थी, ना डोमेस्टिक कप्तानी की हुई थी, ना कोई अप्रेंटिसशिप की हुई थी, ना वाइस कैप्टनसी की हुई थी। किसको पसंद आ गया इसमें इन्वेस्ट किया? सर अगर आपको याद हो 2019 वो जो ट्वीट आई थी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, जिन्होंने ट्वीट की थी इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था ओल्ड ट्राफर्ड में मैनचेस्टर में वर्ल्ड कप का, और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान शुड बैट फर्स्ट बड़े गेम्स में, और टॉस जीत के सरफराज ने इंडिया को खिला दिया था एंड पाकिस्तान लॉस्ट दैट मैच एंड सरफराज अहमद लॉस्ट हिज करियर देयर एंड देन। ये वसीम खान MD होते थे, चीफ एग्जीक्यूटिव, ही देन कॉन्टेक्टेड अजहर जी, अजहर अली को इंग्लैंड के टेस्ट मैच के बाद पेडेस्ट्रियन कैप्टनसी में हटाया गया, तो फिर बाबर आजम को नॉमिनेट किया गया, एक एक्स पाकिस्तान प्लेयर कप्तान थे जिन्होंने कन्वे किया था इसको बाबर आजम को कि वो कप्तान बनेगा, तो दिस इज़ आउट इन द ओपन। अभी मुझे ये नहीं समझ आई भैया बाजवा भाई,
कि वर्ल्ड कप हो रहा है जी, इतना तगड़ा वर्ल्ड कप हो रहा है, पाकिस्तान की टीम जो है अभी बाहर नहीं हुई हुई थी और ऑल इम्पोर्टेंट मैच खेलने जा रही है साउथ अफ्रीका के गेम, और आप वो एक रात पहले जो है वो देते हैं अपना एक प्रेस रिलीज, उस प्रेस रिलीज में आप बाजवा को और डॉक्टर नुमान को कहते हैं कि यार इनको सपोर्ट करना है, अगले पैराग्राफ में कहते हैं कि ये टीम जब वापस आएगी तो एहतसाब तो होगा, आपका जो अकाउंटेबिलिटी तो होगी, और तीसरा कौन सा चेयरमैन है जिसने टीम साइन की हो जो कि कस्टोडियन हो टीम का भी और क्रिकेट का भी इन द कंट्री, वो कहे कि यार ये टीम मैंने सेलेक्ट नहीं की, ये तो इंजमाम ने और बाबर आजम ने सेलेक्ट की थी। तो ये प्रॉब्लम क्या था, ये टारगेटेड रिमूवल हुआ है बाबर आजम का, और इसके पीछे एक बैक एंडेड स्टोरी है बड़ी मज़े की जिसकी वजह से टारगेट किया गया। अच्छा, प्रूफ कैसे होता है कि ये टारगेटेड है कि वो लैंड करता है, उसको कहा जाता है अब रिज़ाइन कर दें। अच्छा, उसने अगर रिजाइन कर दिया तो आपने दो घंटे में कप्तान सोचे हुए थे वो बन गए, आप इतने एफिशिएंट हो गए। एग्जैक्टली, चेयरमैन का इलेक्शन तो करा नहीं पा रहे, बोर्ड ऑफ गवर्नर तो बना नहीं पा रहे, दो घंटे में कप्तान आपने बना दिए, चीफ सेलेक्टर भी सोचा हुआ था, आपने एनालाइज किया, आपको भी आपने वो जी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सोची हुई थी पहले। सो ये तो ये तो ये टारगेट हो गया ना, ये ग्रुपिंग हो गई विद इन द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज विद इन द टीम। फिर आपको यहाँ तक बताता हूँ जो ये इनकी प्रॉब्लम चल रही थी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की, जिससे बहुत सारी ईगोज हर्ट हुई हुई थी बाबर आजम और रिजवान की वजह से। तो शाहीन शाह अफरीदी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा था इंडिया में, बाईपासिंग द सिटिंग कैप्टन जो लीड कर रहा है आपको वर्ल्ड कप में। अच्छा, तो यहाँ तक तो ये आपकी हालत हो चुकी थी। तो बैक एंड में अगर बाजवा भाई एक और चीज़ देखें, ये टारगेट क्यों हुए, ये स्टोरी वहाँ से शुरू होती है कि 2000 ये इनकी सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ बाबर की और इस टीम की ये थी कि हम लोग एनबी करते थे, रश करते थे, हम सारे पाकिस्तान टीम्स के साथ रहे हुए हैं कि ये वन यूनिट खेलते थे, ड्रेसिंग रूम में माहौल बेहतरीन था, तो यूनिटी वॉज देयर स्ट्रेंथ, और दूसरा ये किसी करप्शन में इन्वॉल्व नहीं थे जो हम पहले सुनते होते थे ना, फैंसी फिक्सिंग हो गई, मैच फिक्सिंग हो गई, फलाने ने ये कर दिया, ये इन्वॉल्व नहीं थे। ठीक है, ये इम्पेनिट्रेबल थे, बहुत सारी एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो ट्राई करती रहीं लेकिन ये टूटते नहीं थे। इनको फिर तोड़ा गया बड़ा सिस्टमैटिकली, और तोड़ा कहाँ से गया, अगर आपको याद हो ज़बरदस्ती रेस्ट करवाया गया, दैट वाज द फर्स्ट थिंग, चाहे वो इनएडवर्टेंट था चाहे उन्होंने डिलिबरेटली किया, बाबर आजम रिजवान को रेस्ट करवाया गया, और उसके बाद कप्तान बन गए शादाब खान अगेंस्ट अफगानिस्तान T20 जो हुए थे शारजा में। तो वहाँ से हर एक ने सोचना शुरू किया कौन कप्तान बन सकता कौन नहीं बन सकता। अब हुआ क्या है कि अगर आपको PSL 8 याद हो, मुल्तान सुल्तान्स का वो जो ये सरोगेट कंपनीज के लोगोस थे, वो रिजवान ने डिनाई कर दिया था कि वो नहीं लगाएंगे, वहाँ से वो विलन बनते हैं। बाबर आजम को ऑफर होता है 250 मिलियन रुपीज़ बाय अ कंपनी, सरोगेट कंपनी, कि आप ये लोगो लगा लें, उन्होंने वो रिफ्यूज़ कर दिया। बाय द वेज आपको एक्सक्लूसिव एक चीज़ देता हूँ, इस साल बिग बैश का $4.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट बाबर आजम को जो है वो ऑफर हुआ था, ही डिक्लाइन दैट कि उसने अपने आप पे फोकस करना है और अपनी क्रिकेट पे फोकस करना है। तो ये वहाँ से, अब आपको पता है कि इंटीग्रेटेड इंटरेस्ट होते हैं, छोटा सा पाकिस्तान का आउटले है स्पोर्ट्स का, जो PCB में उनके इंटरेस्ट फ्रेंचाइजेज में है, जो फ्रेंचाइजेज में उनके इंटरेस्ट PCB में या ब्रॉडकास्टर्स में है, यहाँ से ये विलन बने। फिर एक और इबहाम क्रिएट हुआ जिस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फेडरल मिनिस्ट्री फॉर जो आपकी है ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उन्होंने बैन कर दिया सरोगेट कंपनीज के वो ना एडवर्टाइज कर सकेंगे, ना वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकेंगे और ना हिस्सा बनेंगे। तो यहाँ सारे उस हॉट स्पॉट्स के अंदर आपस की चाप क्लेशों की वजह से वो जो सफर क्रिकेट ने किया, मैंने एक ब्रेक लेनी है, थोड़ा सा ऑडियो का भी इशू आ रहा था, ब्रेक से वापस आते हैं। तो ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि बड़ी मतलब अचानक जैसे जहन बना के बैठे हुए थे कि इसके बाद अगला कप्तान कौन होगा, चीफ सेलेक्टर कौन होगा, ये चीफ सेलेक्टर साहब की मुझे समझ नहीं आ रही। ये मैंने नुमान से पूछना है कि ये क्या गिद्दड़ सिंगी है आप रियाज साहब के पास कि चीफ सेलेक्टर भी बन गए हैं, निगरान सेटअप के अंदर खेलों के वजीर भी हैं, साथ वैसे वो उस वक्त चाह भी रहे थे कि मैं बाद में क्रिकेट कंटिन्यू भी करूं, तो ये चॉइस कैसी है, इस पर एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस।